तो ये नंबर सिस्टम में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना हो, क्विक रिकैप करना हो, जैसे कल पेपर है और नंबर सिस्टम पूरा प्रिपेयर करना है, तो इन सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करते जाओ, पूरा चैप्टर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। अभी हम इन्हीं को फॉलो करेंगे, पहले मैं नंबर ट्री एक्सप्लेन करूंगा, फिर रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, फिर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम अगर क्लियर करते जाएं तो हमारा पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन तो सिलेबस से हट गया ना? हाँ, ये सिलेबस से हटा दिया है, ये सही याद दिलाया आलिशा ने, नॉट इन सिलेबस, बट एक बार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। हम एनसीईआरटी अगर पूरा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एनसीईआरटी हमको पूरा का पूरा करना है, चैप्टर नंबर वन अगर हमको पूरा पूरा रिवाइज करना है, तो इस टॉपिक को छोड़ के हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग कर लेंगे, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, तो ये कॉपी कर लिया हो, जल्दी से बताओ। सर जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। तो वन मिनट। ठीक है ठीक है, कर लो आराम से कर लो। चलो, तो देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ना अभी जितना बताऊंगा, मतलब इन सबको जब हम एक्सप्लोर करेंगे, तो तुम्हारा एमसीक्यू भी मिस नहीं होगा। मतलब नंबर सिस्टम पे अगर एमसीक्यू भी पूछा जाता है ना, वो सारा भी मैं कवर कर लूंगा इसके अंदर। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताऊंगा, दो बार तीन बार बोलूंगा, उसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। कॉपी करने वाली बात तो ठीक है, हम कॉपी कर ही लेंगे एक बार में, बट ये नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ तो सीधे कॉपी करना स्टार्ट कर लिया, फिर कोई फायदा नहीं होगा इस क्लास का। इस क्लास का फायदा तभी होगा जब मेरी बात को सुनने पे ज्यादा फोकस करोगे। नोट्स तो बन ही जाएगा थोड़ी देर के बाद, जब मैं कॉपी करने को बोलूंगा तभी कॉपी करना है। ये नहीं कि मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ तुम भी लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। तो इतना रखो कि सुनने वाला काम ज्यादा होगा इस क्लास में। फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, नंबर ट्री। तो नंबर ट्री देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाइन्थ में तो है ही, एट्थ में भी था। एट्थ में सिर्फ रैशनल नंबर्स के बारे में था, क्योंकि चैप्टर नंबर वन ही वही था एट्थ में, रैशनल नंबर्स, याद होगा। तो एट्थ में जो चैप्टर नंबर वन था रैशनल नंबर, नाइन्थ में वो नंबर सिस्टम है और टेंथ में रियल नंबर्स है। तो पहला एक्सरसाइज जो है ना एनसीईआरटी का, मैथ्स का, वो इन्हीं नंबर्स के बारे में है। तो नंबर ट्री को समझ लेना बहुत जरूरी है। नंबर ट्री देखो मैं बनाता हूँ, इस पर हमें छोटा सा गेम भी खेलेंगे, तो समझना होगा अच्छे से। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो दुनिया का, वो सिर्फ दो टाइप्स का होता है, या तो वो नंबर रियल होगा, और अगर रियल नहीं होगा तो इमेजिनरी होगा। कोई भी नंबर या तो रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। ये रियल नंबर ना हम बार बार सुनते हैं, रियल नंबर्स हम बार बार सुनते हैं, जैसे मैं याद दिलाऊं कहां कहां सुनते हैं। पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते थे, याद होगा तुमको, पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, सारे कोएफिशिएंट्स रियल नंबर होने चाहिए, ये सुनते थे। लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ते थे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, हमने पहली चीज ये कही कि ए बी सी ये रियल नंबर होने चाहिए। उसके बाद हमने बोला ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन पहली बात तो ये बोलते थे ना ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये रियल नंबर होता क्या है वो हमको अभी समझना है, ठीक है। तो रियल नंबर को अच्छे से समझ लेना, ये हमको हर जगह पे यूज होता है।
चाहे पॉलिनोमियल्स की बात करें, पॉलिनोमियल्स में कोई अगर हम लिखते हैं पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो मान लो हम डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो डिग्री थ्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता है ये होता है, डिग्री थ्री के पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो इसमें भी जो कोएफिशिएंट्स यूज करते हैं ना ए बी सी एंड डी, सबसे पहली चीज कि रियल नंबर्स होने चाहिए। तो रियल नंबर से हमारा पीछा नहीं छूट सकता है, रियल नंबर हमको हर जगह मिलेगा, और वो सीखते कहाँ पे है, चैप्टर नंबर वन में। तो रियल नंबर क्या होता है अच्छे से सीख लेना, और इमेजिनरी क्या होते हैं वो भी बताएंगे। तो कोई भी नंबर दुनिया का सिर्फ दो टाइप का हो सकता है, या तो वो रियल होगा, और अगर रियल नहीं होगा तो इमेजिनरी होगा। अब रियल नंबर के अंदर फिर से कैटेगरीज बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये दिमाग में बिठाओ कि लेफ्ट साइड में जितनी भी ब्रांचेस अभी बनेंगे, मतलब इधर से जितना भी ब्रांचेस बनेगा, ये सारा हमारे सिलेबस में है 10th तक। ये जो ब्रांच है इस साइड वाली, तो क्लास 11th में पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th तक के सिलेबस में नहीं है। तो इसके बारे में मैं हल्का सा बता दूंगा कि कैसे नंबर्स को हम देख के बता देंगे कि रियल नहीं है, इमेजिनरी है। ये जो इमेजिनरी नंबर्स का पार्ट है, इनका जो वर्ल्ड है, वो क्लास 11th से स्टार्ट होता है। क्लास 11th में एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। कोई अगर हो घर पे, भैया दीदी या कोई फ्रेंड वगैरह हो, तो उनसे रेफर कर सकते हो। स्पेलिंग क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 है 11th क्लास में। तो उसके अंदर हमको ऐसे नंबर्स पढ़ने हैं। अब देखो रियल नंबर्स के अंदर क्या कैटेगरी बनती है, क्योंकि ये हमारा सारे सिलेबस में है। रियल नंबर्स में दो कैटेगरी बनती है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स की दो कैटेगरी, इरेशनल या रैशनल। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं सारे ब्रांचेस बना देता हूं। रैशनल नंबर में दो कैटेगरी, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को डेसिमल्स भी बोल लेते हैं, फ्रैक्शंस या डेसिमल सेम होते हैं। जैसे मान लो 1/2 तो फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको 0.5 लिख के हम डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन या डेसिमल सेम मतलब है। तो रैशनल नंबर की दो कैटेगरी, फ्रैक्शन या डेसिमल्स, और सेकंड होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स भी हम बहुत बार सुनते हैं, ये वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, इंटीजर्स। रैशनल नंबर में दो कैटेगरी, फ्रैक्शन स्लैश डेसिमल्स, एंड सेकंड कैटेगरी इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखो क्या क्या कैटेगरी है, इंटीजर्स में थ्री कैटेगरीज है, एक कैटेगरी है हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर है जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है, और सेकंड है, मतलब थर्ड है नेगेटिव इंटीजर्स की। तो ये हमारा नंबर ट्री ऐसे कंप्लीट हो जाता है, बस इतने ही टाइप के नंबर्स होते हैं। अब इनको अगर हम छोटा छोटा एक्सप्लेन करते चलें, तो रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू फॉर क्वेश्चेंट। तो अगर इरेशनल नंबर्स को डिनोट करना है तो क्यू पे बार लगा सकते हैं, क्यू बार मतलब क्यू क्या होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। बार का मतलब क्या होता है, ये जो बार किसी भी नंबर पे लगा है ना, एक्स पे अगर बार लगा है तो मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे एक घर है, घर मेरी फैमिली में मान लो 10 मेंबर्स हैं, ओके, 6 मेंबर्स हैं घर के अंदर, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे मेंबर्स जो घर में नहीं है बट इस फैमिली के अंदर है, ओके, तो 4 मेंबर्स होंगे इनका कॉम्प्लीमेंट, मतलब घर के बाहर कितने हैं और इस फैमिली में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पड़ोसियों को ले लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि एक्स जो भी कैटेगरी में है, जैसे यहाँ पे एक्स अगर हमने बोल दिया कि रैशनल नंबर है क्यू, तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे नंबर जो पहले रियल होने चाहिए, ठीक है, ऐसे नंबर जो रियल होने चाहिए, क्योंकि रैशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर फैमिली के मेंबर हैं। अब इसमें से रैशनल नंबर अगर हमने घर के अंदर रखे हैं तो घर के बाहर कितने होंगे, इरेशनल, तो उसको हम क्यू बार से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और ये दोनों रियल नंबर फैमिली के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी नंबर के अंदर भी हम इरेशनल नंबर ढूंढने लगे, ये पॉसिबल नहीं है, उनकी अलग दुनिया है। तो इनको हम क्यू बार से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड और आई,
जेड और आई, आई का मतलब इंटीजर, जेड जो होता है वो ग्रीक में एक वर्ड होता है, जैलेम, जैलेम, ओके, इसका मतलब होता है इंटीजर। ये जैलम जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक में एक वर्ड है जैलम जिसका मतलब होता है इंटीजर, तो इसीलिए जेड से भी इंटीजर्स को हम डिनोट कर लेते हैं। और आई तो इंटीजर का पहला वर्ड है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू से क्यू करते हैं, क्वेश्चन से ये वर्ड आता है, क्वेश्चन क्यू आता है यहाँ पे। जैसे 4/5 अगर करना है, 4/6 करना है, मान लो 4/3 करना है, तो उसको जब हम रैशनल नंबर, तो है ये p/q का फॉर्म है, तो क्वेश्चन का क्या मतलब है यहाँ पे? अगर 3 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 1 मिलता है ना, तो ऐसे नंबर जिनमें क्वेश्चन निकल जाता है, इसलिए रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू फॉर क्वेश्चन। अब उसके नीचे जब आते हैं, इंटीजर्स के नीचे जब आते हैं, तो और भी कैटेगरीज बनी है। इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, अगर इन दोनों को साथ में ले लें, पॉजिटिव इंटीजर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ग्रीन वाला एरो देखना कहाँ जा रहा है, रेड वाली एरो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, ग्रीन वाली एरो मतलब पॉजिटिव और जीरो मिला के, क्योंकि ग्रीन के सर्कल ने क्या किया है, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को इंक्लूड किया है, तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। ओके, इन सारे ब्रांचेस को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले के लिए ये टेबल कॉपी कर लो अच्छे से। सर डन हो गया सबका, मान्या अलीशा? यस सर। चलो तो अब ना हम आगे चलते हैं। देखो इनको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, और स्टार्ट करेंगे बॉटम से। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 करते हुए ऊपर चले जाएंगे, और हमको रियल नंबर तक पढ़ना है, ये पार्ट हमको नहीं पढ़ना है। इसका बस मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता दूंगा, ऐसे नंबर्स को हम डील नहीं कर रहे। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, नंबर ट्री में जो बॉटम वाली रो है ना, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, और टाइप ऑफ नंबर्स यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज बनती है,
एन इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन. तो ये काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं. कोई भी मुझे बोले कि नेचुरल नंबर्स बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन पॉइंट वन, वन पॉइंट टू, वन बाई थ्री, ये सब नहीं होगा. नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं, इनको लिख लेना यहाँ पे, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं. काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. अब अगर बोले होल नंबर्स, होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं, तो W की जो सीरीज बनती है वो स्टार्ट होती है जीरो अलोंग विथ नेचुरल नंबर्स. तो जीरो अलोंग विथ द नेचुरल नंबर्स, मतलब W कहां से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन. ये बात समझ आ रही है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, और जीरो को भी अगर इन नेचुरल नंबर्स में मिला लें तो जो सीरीज बनती है वो होल नंबर्स की सीरीज होती है. फिर थर्ड है नेगेटिव इंटीजर्स. देखो नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, जीरो तो जीरो ही हो गया. अब नेगेटिव इंटीजर्स भी थे इंटीजर्स के अंदर, तो ये होते हैं, इनका कोई नाम नहीं होता है, कैपिटल एन कैपिटल डब्ल्यू ऐसा कुछ नहीं होता है. तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव फॉर्म को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और मिरर इमेज ऑफ एन. ठीक है, या तो वो ऐसे सोचो कि इनके नेगेटिव फॉर्म या फिर मिरर इमेज ऑफ नेचुरल नंबर्स. मिरर इमेज का क्या मतलब है, अच्छा इनके नेगेटिव फॉर्म तो समझ आ गया ना, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं. अब मिरर इमेज का क्या मतलब है, तो मैं बताता हूं मिरर इमेज का क्या मतलब है. प्लेन मिरर तो सबने देखा ही है ना, प्लेन मिरर सबने देखा है, घर पे हम आईना देखते ही है. Yes, sir. तो ये मान लो जो वाई एक्सिस है हमारी, ये वाली मान लो प्लेन मिरर है, वाई एक्सिस हमारी प्लेन मिरर है ऐसा मान लो. तो मिरर की प्रॉपर्टी पहले क्या होती है, घर पे ये आईना होता है, यहाँ पे अगर हम खड़े हैं या अपना फेस देख रहे हैं आईने में, तो आईने के पीछे वाली साइड पे सिल्वरिंग होती है. कभी देखे हो आईने के पीछे वाली साइड? Yes, sir. पेंट होता है रेड कलर में या पिंक में या जो भी कलर होता है, सिल्वरिंग होती है. वो सिल्वरिंग क्यों की जाती है, सिल्वरिंग इसलिए की जाती है कि कोई भी रे, इसे एक प्लेन ग्लास रख दो, यहाँ पे कोई सिल्वरिंग नहीं है, प्लेन ग्लास रख दो, बिल्कुल कांच रख दो, शीशा रख दो, कोई इस पे सिल्वरिंग नहीं है. तो रे जो आएगी वो इससे जब इस पे पड़ेगी ना, तो वो आर पार चली जाएगी. तो ये रे इस साइड चली जाएगी. अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमको ये वाला ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब कोई भी एक सिंगल रे, एटलीस्ट अ सिंगल रे, इस पॉइंट पे पड़े और रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज पे आए. यहाँ मेरी आईज है अगर, तो ये चीज मुझे तभी दिखेगी जब इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी रे पड़े और रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आए. तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे. तो इसी वजह से हम सिल्वरिंग करते हैं ताकि रे उस पार ना जाए, रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आ जाए. तो अब यहाँ पे देखो, ये मान लो ऑब्जेक्ट है मेरा, मतलब मैं अपने फेस को देखना चाहता हूँ, तो मेरा फेस ऑब्जेक्ट है. अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस अवे होता है, मान लो ये एक्स है, तो इमेज जो होती है वो उसके पीछे बनती है. यहाँ पे इमेज बनता है, यहाँ पे हमको अपना फेस दिखता है. कभी देखो ऐसा फील किया हो कि मिरर में हम पीछे की तरफ फील होते हैं, हमारी जो इमेज बनती है वो ऐसा हमको फील होता है कि मतलब आईने के पीछे हम खड़े हैं, ऐसा फील होता है. कभी देखे? Yes, sir. तो आज जाके देखना, क्लास जब खत्म हो जाएगी. तो जैसे यहाँ पे आईने के पास मान लो हम 5 मीटर अवे खड़े हैं, 5 मीटर बहुत दूर हो गया, 5 सेंटीमीटर अगर हम अवे खड़े हैं आईने के, तो हमको ऐसा फील होता है कि एक मेरे जैसा ही इंसान पीछे खड़ा है आईने के 5 सेंटीमीटर अवे. जितना दूर हम खड़े हैं उतनी दूर पीछे फील होता है. और ये फील नहीं होता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ चीज है, इसको हमने चाहो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं. जितना हम अवे हैं उतना ही अवे मेरे इमेज भी बनेगी और सेम साइज प्रॉपर्टी होती है ना प्लेन मिरर की. ये सारा हम प्रूव भी कर लेंगे 10th क्लास में. अभी के लिए बस ये समझो कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है. अब क्या करो, इस एक्स और वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करो. और मैंने बोला है नेचुरल नंबर्स का मिरर इमेज. तो यहाँ पे 1 होता है नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे 2 होता है,
यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, इस तरीके से नेचुरल नंबर रखे जाते हैं। अब ये मिरर है, 1 का इमेज कहाँ बनेगा मुझे बताओ, 1 का इमेज इसके पीछे बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यहाँ देखो 1 है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, 1 यूनिट है, अब इतना ही पीछे 1 का इमेज बनेगा, तो 1 का इमेज क्या होगा -1, और ये डिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल सेम होगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो 1 का इमेज पीछे बन गया। इसी तरीके से 2 कितना अवे है, 2 इतना अवे है, इसका इमेज इतना ही दूर पीछे बनेगा यहाँ पे, तो 2 का इमेज ये वाला हो गया। इसमें क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। इसी तरीके से सारे लेटर, सारे नंबर्स होंगे नीचे, ये हमारा -x है और नेगेटिव x भी बोलते हैं, ये x है, ये हमारी -y एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो नेचुरल नंबर्स ये वाले हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, और इनके जो मिरर इमेज है वो इधर है, तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ये समझ में आया, मिरर इमेज जो मैंने लिखा है वो वर्ड समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इनके बाद आता है होल नंबर्स, सॉरी होल नंबर्स तो हो गया, इनके बाद आता है इंटीजर्स, नंबर 4 इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई और जेड से डिनोट करते हैं। इनमें क्या क्या होता है, तो नेचुरल नंबर्स आते हैं इसके अंदर, नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो अगर Z की हम सीरीज बनाएं या I की सीरीज बनाएं, तो ये स्टार्ट होंगे डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे सारे इंटीजर्स हैं, कॉपी करो उसको जल्दी से पॉइंट वाइज, 1 2 3 4 ऐसे करके कॉपी करो, थोड़ा फास्ट करना। सर दिस कार्टेशियन प्लेन आल्सो? हाँ बिल्कुल, और क्या, वरना ये वर्ड तुमको समझ नहीं आएगा ना बाद में। सर डन हो गया? यस सर।
यस सर डन। चलो फिफ्थ टाइप, फिफ्थ में आते हैं फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स। तो फिफ्थ की दो टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे मान लो 1/2 है, 1/2 अगर सॉल्व करोगे तो 0.5 आता है ना। 1/4 अगर सॉल्व करो तो 0.25 आता है, 1/10 सॉल्व करो तो 0.1 आता है। ये सारे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल हैं। नंबर टू नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इसके अंदर जैसे 1/3 अगर सॉल्व किए हो कभी भी, 1/3 किसी ने सॉल्व किया है, ये 0.33333 ऐसा होता है, यस सर, ये खत्म नहीं होता है, तो इसको हम 0.3 पे बार लिख सकते हैं। ये कैसा एग्जांपल है, देखो 3 यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा है, 3 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, बट पॉइंट क्या है, वो 3 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम 3 पे बार लगा सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और भी एग्जांपल लू, अगर मैं 1/7 अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो ये आता है 0.142857, 142857, 142857 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वन डिजिट रिपीट करें। तो यहाँ पे 1/7 अगर सॉल्व करें 142857, ये पूरा 6 डिजिट्स का जो बंडल है वो रिपीट होता है। ओके, तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं लेकिन रिपीट करते हैं। अब एक डिजिट रिपीट करे, दो डिजिट रिपीट करे, वो देखना पड़ता है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल है। तो डेसिमल्स या फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। नंबर 6 है हमारी रैशनल नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम पॉइंट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर्स, इसके अंदर ही छिपा है। टॉपिक नंबर 1 जो लिखा है ना, नंबर 3, उसके अंदर ही पॉइंट नंबर 2 भी है, रैशनल और इरैशनल नंबर्स। तो यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इनकी डेफिनेशन है, दोज नंबर्स विच कैन बी, which can be represented in the form of p by q. p by q मतलब numerator upon denominator, numerator upon denominator where P and Q are integers and Q not equal to zero. Q not equal to zero का मतलब denominator zero, वैसे भी नहीं रखते हम लोग। तो ये हमारा rational number है। ऐसे number जिनको P by Q के form पे लिख सकते हैं, P by Q मतलब numerator upon denominator के form पे लिख सकते हैं, और P और Q दोनों के दोनों integer होने चाहिए, ये बहुत important बात है। P and Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, integer होने चाहिए, और Q zero नहीं होने चाहिए, हम ध्यान रखते हैं। मतलब कोई मुझे ये ना बोल दे कि रूट 5/2 इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों रैशनल नंबर नहीं है, क्यू तो हमारा इंटीजर है बट रूट 5 हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो पढ़ लिया ना, इंटीजर में क्या होते हैं, काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं। तो ये क्यू जो है वो इंटीजर नहीं है, सॉरी पी जो है वो इंटीजर नहीं है, पी यहाँ पे रूट 5 है, न्यूमरेटर हमारा इंटीजर नहीं है। तो रूट 5/2 भले पी बाई क्यू के फॉर्म पे दिख रहा है बट ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसे चीजों से बच के रहना, ये रैशनल नहीं है। ठीक है, क्यों रैशनल नहीं है, भले ही p by q फॉर्म दिख रहा है, तो कोई तुमको ऐसा लिख दे √2/7, ये रैशनल है कि नहीं, तुम बोलोगे नहीं है, तो वो तुमको कंफ्यूज करेगा कि क्यों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म पे तो है, क्यों नहीं है। तो अगर ये बात पता नहीं रहेगी कि p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में हम उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। ओके, तो p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q जीरो नहीं होना चाहिए।
ये भी ध्यान रखना, जैसे कोई बोल दे 10/0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, रैशनल है कि नहीं, और दोनों इंटीजर भी हैं, वो तुमको दिखाएगा भी, देखो 10 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, अब बताओ रैशनल है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर 0 अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीजें एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं, इनको ध्यान रखना। तो डेफिनेशन क्या मिली हमको, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं वो हमारे, और पी बाई क्यू, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स की जो टाइप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, तो यही दोनों टाइप्स रैशनल नंबर्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दोनों ही हमारे टाइप्स है रैशनल नंबर के, फर्स्ट हो गया टर्मिनेटिंग। तो नंबर ट्री बहुत, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है, एक दूसरे पॉइंट्स को सपोर्ट करती है नंबर ट्री। सेकंड को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके, एनटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो यही दोनों टाइप्स होते हैं रैशनल नंबर के। अब इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किसी ने तुमको बोल दिया 1/2 कैसा नंबर है, तो पी बाई क्यू फॉर्म दिख गया रैशनल, ओके। किसी ने तुमको 1/2 नहीं दिया, उसने 0.5 लिख दिया और पूछा बताओ कैसा नंबर है, तो अब तुम क्या करोगे, रैशनल नंबर के दो तरीके से याद रखोगे, एक तो ये पी बाई क्यू फॉर्म वाली डेफिनेशन, और दूसरी अगर वो डेसिमल फॉर्म में दिया है तो ये चेक करोगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, 0.5 टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोई तुमसे ये पूछ रहा है कि 0.57 और 57 पे बार लगा दिया है, ये कैसा नंबर है, रैशनल है कि नहीं, तो अगर वो, अगर वो हमको पी बाई क्यू के फॉर्म पे दे देगा तो हम रैशनल बोल ही देंगे, लेकिन अगर वो डेसिमल फॉर्म पे देगा तो हम ये चेक करेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है कि नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, आंख बंद करके रैशनल। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जैक्टली पी बाई क्यू फॉर्म पे हम एक्सरसाइज 1.3 में कन्वर्ट करेंगे, ओके, 1.3 में ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्जैक्टली पी बाई क्यू फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो ये बात समझ में आ रही है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पहले याद रखनी है कि कोई भी नंबर अगर हमको पी बाई क्यू फॉर्म पे दे रहा है तो रैशनल हो जाएगा, और अगर वो डेसिमल फॉर्म पे दे रहा है तो हम ये दोनों चीजें चेक करेंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो तो रिपीटिंग हो, मतलब उसमें बार लगाया जा सके, तो वो जाके रैशनल बन जाएगा, ओके? Yes. तो सुनो कैसे लिखोगे इसको, फोर्थ तक तो लिख लिए, पहले ये सिक्स्थ लिखोगे, नंबर को हम अवॉइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, फोर के बाद सिक्स नहीं आता है, बट अभी पहले सिक्स्थ पॉइंट लिखो, कहां तक, यहां तक, और फिर टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, उसके अंदर फिफ्थ पॉइंट में दोनों पार्ट्स। ये क्लियर है कैसे लिखना है? यस सर। पहले सिक्स्थ लिखोगे ये डेफिनेशन तक, यहां तक, उसके बाद टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, और फिर ये दोनों पॉइंट्स कॉपी कर लोगे फिफ्थ के अंदर फर्स्ट और सेकंड, यहां तक। चलो जल्दी करो। ओके सर। Sir, I have these notes. ठीक है, तो फिर उसको देख लेना, कुछ अपडेट होना हो तो कर लेना, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो करना हो तो कर लेना।
सर डन। अन्या यस सर डन। चलो तो अब आते हैं सेवेंथ पे, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स रैशनल्स के अपोजिट है। तो अगर इरेशनल नंबर्स, सॉरी रैशनल्स को हम पी वाई के फॉर्म पे लिख सकते हैं तो इनको नहीं लिख सकते हैं। दोज नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी वाई क्यू, इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इनकी इनकी कैटेगरी क्या होती है, टाइप क्या होती है? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड, बट नहीं है एंड, नॉन रिपीटिंग इन नेचर। दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये ना तो टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट करेंगे। इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड, प्रोसीजर क्या है? तो डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म लिखने में ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स लिखने हैं। चलो लिखते हैं एक दो, 1.28587898383... ये कैसा नंबर है? non-terminating, non-repeating. आगे और भी है, और किसी पे बार लगा पाओगे यहाँ पे? No sir. बार भी लगा सकते। ये हमारा irrational हो गया। और देखो 3.01001000100001 compulsory है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डैश डैश की वजह से, नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि 01 पे बार नहीं लगा सकते, अगली बार 001 है, 0001 है, समझ रहे हो ना? ये भी हमारा इरेशनल हो गया। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का है। और देखो 57.985725... ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इरेशनल। जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न फॉलो हो, जैसे यहाँ पे हम 01 फिर 0 को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये पैटर्न बना रहे हैं ना, जरूरी नहीं है वो पैटर्न फॉलो करें, हम रैंडम नंबर्स लिखते जाएं। बस ध्यान ये रखें कि लास्ट में डैश 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 जरूर लगानी है और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो जाए। तो ये भी हमारा इरेशनल है। तो ऐसे नंबर्स हमारे बाय डिफॉल्ट इरेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। सेकेंड टाइप, सेकेंड कैटेगरी इनकी होती है स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये भी ऑलवेज इरेशनल है। क्या मतलब है इसका? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं उसको समझने से पहले हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ लें। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, समझ आ रहा है? अगला क्या होगा? Yes, sir. नेक्स्ट इसमें 25, फिर 36। ये सारे कैसे नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। क्यों परफेक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि 4 का अगर रूट निकाले तो वो इंटीजर होता है, टर्मिनेटिंग होता है। 9 का अगर रूट निकालेंगे तो 3.0, 100 का अगर रूट निकालेंगे तो 10। बट ये सारे परफेक्ट नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो इनका जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल है। क्योंकि अच्छा इंटीजर भी रैशनल होते हैं, ये दिमाग में रखना। इंटीजर जैसे मान लो 5 है तो ये भी रैशनल है। कैसे रैशनल है? 5 को 5/1 तो लिख ही सकते हो, 10/2 तो लिख ही सकते हो, 50/10 तो लिख ही सकते हो, p by q फॉर्म तो मिल रहा है। तो ये इंटीजर जो है वो भी रैशनल होते हैं, इसको दिमाग में रखना। तो ये 2 जो है वो रैशनल नंबर है, 3 जो है वो रैशनल नंबर है, भले इंटीजर हो लेकिन रैशनल भी है वो। तो ये सारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। कैसे नंबर्स? अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो रैशनल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की। इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं।
अगर रूट टू की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1.414 डैश डैश डैश। कभी निकालना मोबाइल कैलकुलेटर पे रूट टू की वैल्यू निकालना, या गूगल करना रूट टू की वैल्यू अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। तुम देख लेना सारे डेसिमल प्लेसेस को, डैश 50 के बाद वो डैश 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 लगाएगा, क्योंकि 50 के बाद भी इनफाइनाइट तक डिजिट जाएंगे और किसी पे भी बार नहीं लगा पाओगे। रूट थ्री की वैल्यू 1.7320508 आगे डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये सारे के सारे इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि 2 और 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब कोई मुझसे पूछ ले रूट 225 रैशनल है कि इरेशनल है, बताओ। सर 225 तुम लोग स्क्वायर्स याद ही नहीं करते हो सर। रैशनल है सर, रैशनल है। क्यों होता है? इतना टाइम क्यों लगा वैसे? 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो, 10 तक के क्यूब्स याद कर लो। मैं ये नहीं बोल सकता कि तुमको कौन से टॉपिक में हेल्प करेगा, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स कहीं भी हेल्प करेगा ये। 30 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब्स याद कर लो जल्दी से जल्दी। तो ये हमारा रैशनल बन गया। क्यों? 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये समझ आ। तो अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो डेफिनेशन क्या है रैशनल की, जिनका पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल है, और इरेशनल का क्या है, जिनका पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी क्या लिमिटेशन है कि हम इरेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख सकते? क्या लिमिटेशन है? 2.93 कैसा नंबर है? रैशनल, रैशनल, क्योंकि टर्मिनेटिंग है ना ये, रैशनल है। तो मतलब इसका पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल है। चलो कोशिश करते हैं। ऐसे नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म पे लिखना हम जानते हैं। कैसे लिखते हैं? 293 डेसिमल की जगह पे 1 लगाते हैं और जितने डिजिट्स हैं काउंट करके उतने जीरोस लगा लेते हैं। ऐसे करते हो? यस सर, यस सर। मैंने ये बता दिया अभी अभी कि 2.9 बार को हम एक्सरसाइज 1.3 में चेंज करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म पे। इसके बाद हमारा वही टॉपिक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। मतलब ये टर्मिनेटिंग था, उसका पी बाई क्यू बना सके, बना पाए हम लोग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो वो भी बना लेंगे। अब इन पे क्या लिमिटेशन है, क्योंकि ये भी डेसिमल फॉर्म में, ये तीनों डेसिमल फॉर्म में है। कौन कौन से डेसिमल फॉर्म? 3 हो गए फिर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इनके साथ क्या लिमिटेशन है, हम क्यों इनका पी बाई क्यू फॉर्म नहीं बना सकते? चलो इसको कोशिश करते हैं, इसका पी बाई क्यू फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, और यही वाला फॉर्मेट हम यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर लिख लिया हमने 128, यहाँ पे डेसिमल था, आगे ऐसी है 58795, मान लो डैश 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 यहीं पे लगा लेते हैं। अब इसका हम पी बाई क्यू फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। डेसिमल के लिए 1 लगा लिया, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो उतने जीरो लगाने। चलो काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने डिजिट्स होंगे उतने डैश, और वी कैन काउंट इट। कैन वी काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स हियर? नो सर। तो इफ वी कांट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, हम यहां पे जीरोस नहीं लगा पाएंगे। Do you agree on that? Yes. If we can't count here, we cannot add number of zeros in the denominator. Therefore, it is impossible to write or to convert these numbers in the form of p by q. Therefore, we say these numbers are irrational. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So, yahan tak copy karo. इसके बाद कोई क्लास है तुम्हारी? नो सर। सब फ्री हो ना? यस सर। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है 12:30 तक कर पाएंगे। और कुछ टाइम? मेरी क्लास है। कितने बजे से? सर 1 o'clock से। 1 o'clock से, चलो 1 तक तो कुछ और कर पाएंगे।
अभी है 1 घंटा, वैसे इसमें टाइम लगेगा, बाकी टॉपिक्स तो सिंपल सिंपल है। हो गया पान्या? यस सर। अलीशा के पास तो सब लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है 8th, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर की कुछ डेफिनेशंस हैं, दो चार हैं, मैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हम लोग यूज करते हैं वो लिख देता हूँ। यूनियन ऑफ, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन या मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरैशनल का यूनियन जो होता है, जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। तो इसका मतलब ये मालूम चल गया कि रैशनल इरैशनल मिला दें तो हमारा रियल नंबर्स बन जाता है। एक और है, दोज नंबर्स whose square is positive, ऐसे numbers जिनका square क्या हो, positive हो, उनको हम बोलते हैं real numbers। चलो इस definition को justify करते हैं। minus 2 कितना होगा? 4 positive है मतलब minus 2 real है। minus 0.1 कितना होगा? 0.01। किसी ने 0.1 बोला है, तो माइनस 0.1 भी रियल है। माइनस 1/2 इसका स्क्वायर कितना होगा? 1/4 मतलब माइनस 1/2 भी रियल है। अच्छा, पॉजिटिव वाले का स्क्वायर करने का मतलब नहीं है, वो तो ऑलरेडी रियल है। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई नंबर ऐसा है क्या जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो, मतलब जो रियल नहीं हो। देखते हैं, रूट 5 ये कितना होगा? 5। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर स्क्वायर हो और रूट हो दोनों हट जाते हैं और नंबर जो अंदर है वो सीधा बाहर आ जाता है। माइनस 3 रूट के अंदर, इस तरीके से माइनस कहाँ है देख लो, ये बताओ कितना होगा? थ्री। माइनस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ओके, माइनस 2 ये बताओ कितना होता है? माइनस टू करेक्ट। तो मतलब साफ है कि ऊपर जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए हैं ये सारे नंबर्स रियल हैं, बट ये नंबर रियल नहीं है। क्यों? कौन सा नंबर रियल नहीं है? अंडर रूट ऑफ माइनस 2, ये रियल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये रियल नहीं है तो इस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ओके। तो इमेजिनरी में सिर्फ एग्जांपल लिख लेना, अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 2 और इसी, ये सारे हमारे इमेजिनरी नंबर हैं। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? देखो, रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रूट 16 कितना होता है? 4। तो कहने का मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर करोगे तो रूट आ जाता है, ये रिलेशन है इन दोनों में। अब मान लो रूट माइनस 16 किसी ने गलती से लिख दिया माइनस 4, जस्ट इमेजिन रूट माइनस 16 किसी ने माइनस 4 अगर लिख दिया, तो कहने का मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 होना चाहिए। देख के बताओ, ऐसा होना चाहिए ना? सर
तो होना चाहिए पर होता नहीं है, होता नहीं है। कहने का मतलब इसका रूट माइनस फोर नहीं होता है। तो इसका रूट क्या होता है फिर, वो क्लास 11 में सीखोगे। इसका रूट क्या होता है क्लास 11 में, क्योंकि वो हमारे हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके ये क्लियर है? जिसको जिसको ना इसके बारे में कुछ जानना हो तो वो अलग से कभी बता देना मुझे, ठीक है? मैं अलग से कभी क्लास ले लूंगा इसकी, थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि अभी शायद मुझे लगता है ऐसा कि तुमको थोड़ा सा ये परेशान कर रहा होगा रूट माइनस फोर का क्या होता है। तो ये इमेजिनरी है, ओके? ये क्लास 11th में, किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो वो मुझसे अलग से कभी पूछ लेना, ये मैं बता दूंगा, बट है वो 11th में। अभी के लिए ये कॉपी कर लो, लेफ्ट साइड का पूरा ये पार्ट नहीं लिखना है, इमेजिनरी में सिर्फ एग्जांपल्स लिख लो एक दो। हो गया सबका? जस्ट अ मिनट, नो सर। सर डन। चलिए तो टॉपिक 1 और 2 हो गया, टॉपिक नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स इन पी वाई क्यू फॉर्म, मतलब इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 कवर कर रहे हैं। देखो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करा पाऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या लॉजिक लेता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना, ठीक है? एग्जाम्पल पे फोकस मत करना उतना, जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करना। इस टॉपिक में हम करेंगे क्या, तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होंगे 0.377 पे बार होगा, इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, ठीक है? या 0.859 तीनों पे बार होगा, इसको हमको पी बाई क्यू फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। 0.257 फाइव पे बार, ये कर पाओगे पी बाई क्यू फॉर्म पे? यस सर। अलीशा कर लेगी, पान्या गौरांगी, बार सिर्फ सर, आप एक बार करके दिखा दो सर। बट 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हाउ वी कैन टेक इट? परफेक्ट परफेक्ट, तुम्हें पता है ये नंबर इररिलेवेंट है, ये नंबर ही पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल? अलीशा ने क्वेश्चन देखा ही नहीं। हाँ हाँ कर लेंगे सर, 5-7 पे बार है ना, मैंने साफ साफ बोला है सिर्फ 5 पे बार है, बोला है ना गौरांगी? यस सर। आया भी है 5 पे बार, 7 पे तो बार लगाया नहीं है। नहीं नहीं दोनों पे नहीं है, दोनों पे होगा तो फिर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब? 2-5 मतलब ऐसा नंबर तुमको नहीं आएगा, इसे ये दे दिया 0.258 और 2-5 पे बार, ये नंबर क्या नंबर है, ये बेकार नंबर है, ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता ना। 0.25 25 25, जब 2-5 ही इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसके बाद 8 कहां से आएगा? 2-5 ही खत्म नहीं हुआ तो 8 लिखने का मतलब ही नहीं, ऐसा नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन हमको ऐसे नंबर्स पे आएंगे, बार हमेशा लास्ट वाली डिजिट पे होना चाहिए, ये कंपलसरी है, मतलब बार के बाद कोई डिजिट ना हो, ऐसा ना हो कि 0.37 उसके बाद 1 लिख दो, तो ये नंबर इररिलेवेंट है, इस नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा नंबर होता ही नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, लिख लेते हैं फिर से, मैं 2 क्वेश्चंस करवा देता हूं, समझना अच्छे से, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग,
कन्वर्ट करो 0.37 पे बार, और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 0.857 और 57 पे बार, इन दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर वन, चलो समझना, थोड़ा फास्ट चलेंगे ठीक है। तो जो भी नंबर कन्वर्ट करना है उसको एक्स ले लो, एक्स की वैल्यू 0.37 और बार को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, 37 37 37 37 इस तरीके से लिख लो। अब देखो इसका पॉइंट क्या है, तुम्हें दो इक्वेशंस बनानी है, ध्यान से सुनो, तुम्हें दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है। पहले इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट रिपीटिंग डिजिट के पहले होने चाहिए, डेसिमल पॉइंट शुड बी बिफोर द रिपीटिंग डिजिट, रिपीटिंग डिजिट या डिजिट्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेसिमल पॉइंट जो है वो रिपीटिंग डिजिट के पहले या डिजिट्स के पहले होने चाहिए। ओके तो जिस पे भी बार लगा है ना उसके पहले होना चाहिए डेसिमल, जस्ट पहले होना चाहिए, जिस पे बार लगा है उसके पहले, उसको हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इक्वेशन टू में क्या होना चाहिए, ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट शुड बी जस्ट आफ्टर द रिपीटिंग डिजिट, रिपीटिंग डिजिट और डिजिट्स, सिंगल डिजिट है तो डिजिट और अगर बहुत सारे डिजिट्स है तो डिजिट्स। तो पहली इक्वेशन में क्या होना चाहिए, मैं फॉर्मेट भी अगर तुमको दिखा दूं, तो ये अगर डेसिमल मतलब बार है उसके पहले होना चाहिए डेसिमल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और रिपीटिंग डिजिट पूरी की पूरी जंप करा के यहां पे डेसिमल होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वेशन नंबर टू। अब देखो कैसे करेंगे, तो इसमें देखो 37 रिपीट कर रहा है, ध्यान से सुनो, 37 रिपीट कर रहा है ना, तो 37 के जस्ट पहले है डेसिमल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन परफेक्ट है। अब हमें इस डेसिमल को 37 जंप कराना है, क्योंकि बार किस पे लगा है, 37 पे लगा है ना, तो हमें इस डेसिमल को 37 जंप कराना है, टू डिजिट्स जंप कराने हैं। अब हमें डेसिमल यहां पे चाहिए, इस 37 के बाद चाहिए, तो अब तुमको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो दो डिजिट जंप करानी है, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, चलो करो 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे, तो ये हो गया 100x, RHS पे हो गया 37, क्योंकि डेसिमल अब दो डिजिट जंप करके यहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है, और उसके बाद सारा सेम रहेगा 37 37 37 37। इसको हम इक्वेशन टू बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार डेसिमल देखो यहां पे है, दूसरी बार यहां पे है, तो दोनों इक्वेशन हम बना सकते हैं इनको, तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करोगे, इक्वेशन टू में से वन सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इन दोनों को फिर से लिखेंगे हम लोग, तो 100x इक्वल टू 37.373737 और दूसरा वाला है x इक्वल टू 0.373737 सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं, तो x अगर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, ये अगर पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, LHS पे हो गया 99x, RHS पे हो गया 37 ओनली, ये बताओ समझ आया कि नहीं, डेसिमल के बाद के सारे डिजिट सेम सेम है। यस सर। मान्या, अलीशा? यस सर। तो उसके बाद तो x निकालने में कितना टाइम लगेगा, 37/99, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लोगे, नहीं हो रहा है तो आंसर हो जाएगा। किसी के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि हमने इतने सारे 37 थे, एक 37 तो बाहर कर लिया, यहाँ पे 37 कितनी बार है, बहुत बार है, उसमें से एक 37 तो बाहर ले लिया ना, तो ये तो एक 37 कम पड़ेगा अंदर, ये सवाल आ सकता है किसी के माइंड में, आ रहा है किसी के माइंड में? यहाँ पे देखो इतने सारे 37 है ना, उसमें से एक 37 तो हमने बाहर ले लिया यहाँ पे,
तो अब तो नंबर ऑफ 37 कम हो जाएंगे ना, तो फिर no, कैसे sir. हाँ तो इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें, तो ये समझना कि समंदर है बहुत बड़ा सा, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल ले तो भी वो समंदर ही है कि नहीं? तो 37 इनफाइनाइट टाइम्स है, कितनी बार हम गिन के भी नहीं बता सकते, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी गिन नहीं पाएंगे, तो उतने 37 में से एक निकाल लिया फिर भी वो इनफाइनाइट टाइम्स ही है। तो ये मत समझना कि एक 37 कम हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट करने में कुछ ना कुछ बच जाएगा आरएचएस पे, डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स है, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स, पूरे पूरे कट जाएंगे। आंसर क्या होगा? 37/99। समझ गए? Yes, sir. तो पहले इन दोनों को नोट डाउन करो, ये मेन फंडा है, और ये नोट डाउन करने के बाद दो क्वेश्चन लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, सेकंड भी मैं कर देता हूं, और तुम घर पे जाके 1.3 कर लोगे। जो नहीं करेगा 1.3 अभी जाके, उसको आज की क्लास का कोई फायदा नहीं है। कॉपी करके बता दोगे? हो गया? नो सर। कर लो, आराम से कर लो। सर डन। ठीक है। पानिया समझ तो आ रहा है ना? यस सर। सबका हो गया कॉपी? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दो इक्वेशंस बनानी है और उन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इक्वेशन 1 और 2 हम बना लें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने वाला काम रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले उसको x ले लो। x क्या होगा? तो 0.8 और 5757 57, इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या इसको इक्वेशन 1 बोल दे? नो सर। तो क्यों नहीं बोले? सर बिकॉज़ डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट नहीं है। करेक्ट, डेसिमल के बाद 8 है, 8 रिपीट तो नहीं हो रहा है ना। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे? 57। तो एक बार सुनो ध्यान से, एक बार डेसिमल यहाँ होना चाहिए, वो फर्स्ट इक्वेशन होगी, और एक बार डेसिमल यहाँ होना चाहिए, वो सेकंड इक्वेशन होगी। तो पहले इक्वेशन बनाने के लिए डेसिमल को हमको सिंगल डिजिट जंप करानी पड़ेगी, 8 के बाद जाएगा तभी हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, क्योंकि सिंगल डिजिट जंप करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x इक्वल टू 8.57 57 57 57 -- ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अब डेसिमल को हमें 2 डिजिट और जंप करानी है, क्योंकि पहली इक्वेशन तो बन गई है, अब डेसिमल हमको 57 के बाद चाहिए। तो इक्वेशन 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे
100 से, क्योंकि इक्वेशन वन में दो डिजिट जंप करानी है, और इक्वेशन वन में अगर दो डिजिट जंप करानी है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100 से, और किसको, इक्वेशन वन को। तो वन को 100 से जब करोगे LHS में हो जाएगा 1000x, RHS में 857.575757, इस तरीके से। ये हमारी इक्वेशन नंबर टू। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से, किसमें से किसको, टू में से वन को। वो स्टेटमेंट लिख लेना, 1000x इक्वल टू 857.575757 और 10x इक्वल टू 8.575757। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, साइन फिर से चेंज होगा, माइनस माइनस, यहाँ क्या बचेगा 990x। RHS पे क्या बचेगा, डेसिमल के बाद के सारे कट जाएंगे, 857 माइनस 8 बताओ कितना होगा, 849। तो x कितना हो गया 849 अपॉन 990। इसको देख लेना, अगर वो कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर लोगे, नहीं तो ये आंसर है। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कर लेना, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, अदरवाइज अगर कैंसिल नहीं हो रहा हो तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू कॉपी कर लो, और 1.3 में फिर से बोलता हूँ, घर पे जाके जो अभी के अभी नहीं करेगा इस क्लास खत्म होते ही तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ किया है, तुम्हें करने को नहीं दिया एक भी क्वेश्चन, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी कॉपी करो। टॉपिक नंबर थ्री प्रिपेयर हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। यस सर, डन। पान्या हो गया, अलीशा? यस सर, डन। चलो फोर्थ टॉपिक है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, रिप्रेजेंट फोर पॉइंट, मैं एक रैंडम क्वेश्चन लेता हूं, एनसीईआरटी में 1.4 में इसमें क्वेश्चन है, तो एक रैंडम क्वेश्चन 4.283 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलो कैसे करेंगे देखो, 4.283 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। पहले मैग्निफिकेशन होता क्या है, तुमने अभी तुमने देखा तो नहीं होगा, बट हमारे टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था तो एक ज्योमेट्री बॉक्स आती थी, उस टाइम पे उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, ऐसे शेप में होता था वो, किसने देखा ये ग्लास, लैब में होता है, साइंस लैब में होता है। तो इस ग्लास से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, वो बहुत मैग्नीफाई करके हम देख पाते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों को हम देख लेते हैं इस ग्लास के थ्रू, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये मैग्नीफाई क्या करेंगे, तो नंबर लाइन जैसे होता है ना, देखो 4.283, पहले तो ये सोचो 4.283 ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, तो ये नंबर लाइन है मान लो 2, 3, 4 और ये हमारा 5 है, तो 4 और 5 के बीच में अंदर कहीं बैठा है ये नंबर। तो अगर 4 और 5 के बीच में ये वाला ग्लास हम लगा लें इस तरीके से, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर इस तरीके से लगा लें, तो अब क्या दिखेगा हमको, 4 और 5 पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखेगा इस तरीके से, और उसके अंदर के जो छोटे छोटे नंबर्स हैं वो भी दिखने लगेंगे। तो 4.1 दिखेगा, 4.2 दिखेगा, 4.3 दिखेगा, 4.4 इस तरीके से कहां तक दिखेगा, 4.9 तक दिखेगा। ये बात समझ आ रही है, 4 और 5 को हमने मैग्नीफाई कर लिया, जूम कर लिया है। तो अब 4.283 ढूंढना पड़ेगा, तो 4.283 अब हमको मालूम चल रहा है क्या, 4.283 जो है वो इस वाले में 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है, ये बात क्लियर? Yes, sir. अब हम यही ग्लास फिर से लगाएंगे कहां पे, 4.2 और 4.3 के बीच में, समझ रहे हो, और ऐसे करते 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 हम इस नंबर पे पहुंचेंगे। तो ये है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का टॉपिक। अब क्वेश्चंस करेंगे कैसे वो देख लो, एक ही मैं करा पाऊंगा, इस पे पहले ही बोला है, क्योंकि ये टॉपिक वैसे भी सिलेबस से हटा दिया है और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ मतलब ऐसा है नहीं, कर लोगे, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं इसको, स्टेप वाइज मतलब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो कौन से इंटीजर्स के बीच में ये नंबर है,
फोर और फाइव के बीच में है, तो फोर, उसके बीच में 4.283, उसके बीच में 5, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन थोड़ी सी बड़ी बनाना है, और यहां रखेंगे 4, यहां रखेंगे 5। मेरे पास तो स्केल नहीं है तो मैं रैंडम इक्वल स्टेप्स बना रहा हूं। ये 4 और 5 के बीच में क्या क्या होगा, 4.1, 4.2, 4.3 इस तरीके से होगा। तो ये 4.1 हो गया, ये 4.2 हो गया, ये 4.3, 4.4, स्टेप्स इक्वल नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, और यहां कहीं जाके मिलेगा 5। इस वाले पार्ट को हटा लो। तो 4 और 5 के बीच में हमने ये मैग्नीफाई कर लिया, अब 4.283 अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो अब हम सेकंड मैग्निफिकेशन करेंगे। बताओ 4.283 किसके बीच में होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा ना? यस सर। इसके बीच में हम ये ग्लास लगा लेते हैं इस तरीके से, और फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे, और अब हम 4.2 और 4.3 को मैग्निफाई कर रहे हैं, तो नंबर लाइन फिर से बनाते हैं। नंबर लाइन का जो एक्सट्रीम होगा वो 4.2 और 4.3 होगा, नंबर लाइन का जो एक्सट्रीम मतलब स्टार्ट और एंड जो होगा वो कहां तक होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। 4.2 और 4.3 के बीच में क्या क्या मिलता है, तो ये मिलता है 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? स्टार्ट किया था 4.20 से स्टार्ट किया था, 4.30 तक जाना है, तो 20 और 30 के बीच में क्या होते हैं, 21, 22, 23 इस तरीके से। 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, लास्ट में फिर आगे चले गए हम लोग 4.30 इसके आगे। तो अभी भी हमको 4.283 दिखाई नहीं दे रहा है, 4.283 अभी भी दिखाई नहीं दिया, एक बार और करना पड़ेगा। तो अब किसके बीच में करेंगे, 4.28 से बड़ा है और 4.29 से छोटा है, ये बात समझ पा रहे हो? थर्ड मैग्निफिकेशन होगा 4.28 और 4.29 इसके बीच में, मतलब अब हम जो ग्लास है वो कैसे लगाएंगे, 4.28 और 4.29 इसके बीच में लगाएंगे, और लास्ट मैग्निफिकेशन पे मुझे ऐसा लगता है कि मिल जाएगा हमको हमारा नंबर। तो ये होगा 4.28, और अब मैं ये वाला बाद में लिखूंगा, पहले यहां से कंटिन्यू करते हैं। 4.280 है, ओके, तो 4.281, 4.282, 4.283, अरे वाह यहां बैठा है, 4.284, 4.285, 4.286, 4.287, 4.288, 4.289, और ये हमको मिल गया 4.29, 4.290 है इनफैक्ट, ये 89 के बाद, 289 के बाद क्या आता है 290, तो ये लिख दिया 290, अब डेसिमल के बाद जीरो लिखते नहीं है। चलो इसमें मिल गया हमको 4.283, कहाँ है, इस नंबर को अच्छे से हाईलाइट करो और इसको लिख दो X, X या ABCD में से कोई भी वर्ड ले लो, कैपिटल A ले लो, और नीचे लिख दो A, पॉइंट A रिप्रेजेंट्स 4.283 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। बोलो समझ आया? यस सर, यस सर। मैग्निफिकेशन, चलो कॉपी कर लो उसको जल्दी से। मैं 1 बजे तक कोशिश करता हूँ, ठीक है, 1 बजे तक कोशिश करता हूँ खत्म कर दूँ, अभी स्पीड बन गई है हमारी।
यस सर डन। अन्या अलीशा यस सर डन। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना, बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। दिक्कत आएगी तो बोल देना, मैं दो बार तीन बार रिपीट कर लूंगा। ओके सर। टॉपिक था इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या था टॉपिक में, देखिए बताओ एक बार, प्लॉटिंग था या रैशनलाइजेशन था? रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये कर लेते हैं अभी। सर पहले तो रिप्रेजेंटेशन है ना नंबर लाइन पे, इसके बाद कर लेते हैं। तो ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया, हम लिख दिया है तो इसके बाद कर लेते हैं। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। देखो ये टॉपिक तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंबर सिस्टम चैप्टर में ये टॉपिक तुम्हारे लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर फ्रॉम इरेशनल नंबर टू रैशनल नंबर, सॉरी टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर फ्रॉम इरेशनल टू अ रैशनल नंबर, ये प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, तो पहली बात ये समझो कि करते क्यों है। इसे मान लो 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? थोड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना, 1/√2 मुश्किल है कैलकुलेट करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, ये अलाउड नहीं है। डिनोमिनेटर में इरेशनल जब भी होगा तो अलाउड नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ अगर √2/7 है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इरेशनल नंबर अगर हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते तो न्यूमरेटर में रख सकते हैं, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो तुमने x अगर कैलकुलेट किया, कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, अभी नहीं पूरे लाइफ में कभी भी, ये मत समझना कि सिर्फ 9th में हमको रैशनलाइजेशन करना है। जो भी हम सीख रहे हैं वो थ्रू आउट द लाइफ, पूरे मतलब होल लाइफ में चीजों को फॉलो करनी है। कोई भी इक्वेशन लाइफ में सॉल्व करें, अगर हमको एक्स की वैल्यू 3/√5 मिल गई, तुमने यहीं पे आंसर लिख दिया ना, पक्का तुम्हारे हाफ मार्क्स कट जाएंगे। क्यों कट जाएगा? ये वही बात है जैसे हमने एक्स को लिख दिया 10/50 और आंसर, बताओ इसमें मार्क्स कटेंगे कि नहीं? 1/5 लिखना चाहिए ना, ये तो बहुत ही केयरलेस वाली बात है। ऐसे जो छोड़ेगा उसके मार्क्स कटेंगे। तो ये हमको समझ आ गया कि क्यों कटेंगे। अभी हमको ये समझ आएगा कि इसके मार्क्स भी कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अलाउड है ही नहीं, इवन डिनोमिनेटर में पॉइंट वाले नंबर अलाउड नहीं है। तुम्हें पता है ये बात, एक्स अगर निकाले 2/1.2 नहीं है, अलाउड नहीं है। डिनोमिनेटर में पॉइंट वाले नंबर अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। लेकिन सर न्यूमरेटर में पॉइंट हो सकता है या न्यूमरेटर में हो सकता है, नेगेटिव न्यूमरेटर में हो सकता है, तो इनको भी कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, इनको भी कन्वर्ट करना पड़ता है हमको। डिनोमिनेटर बहुत ही स्पेशल चीज है, उसमें हम ये नहीं कुछ भी रख दिए है ना, तो वो ध्यान रखना। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर अलाउड नहीं है, तो कैसे हटाते हैं, क्या प्रोसेस है? तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजेशन, और कैसे करते हैं वो देखो। तो इस टॉपिक को हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे। 3 पॉइंट्स में मतलब फर्स्ट पॉइंट में हम ऐसा डिनोमिनेटर लेंगे जिसमें सिंगल टर्म है, सेकेंड पॉइंट में 2 टर्म्स है डिनोमिनेटर में, और थर्ड पॉइंट में 3 टर्म्स है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेते हैं। नहीं क्वेश्चन के थ्रू क्या, मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे मान लो फर्स्ट इसमें टाइप है सिंगल टर्म वाले, तो ये समझो दिमाग में, जैसे मान लो √5 है, मुझे बोलना है कि √5 हटाना है। कैसे हटा सकते हो √5? √5 का क्या करें कि रूट हट जाए? इनटू रूट फाइव। √5 को अगर हम √5 से ही इनटू कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होता है? √25, और ये तो 5 हो जाता है। तो रूट हटाने के लिए हमें √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम इसको सीधा लिखेंगे। इसी तरीके से अगर ये रूट डिनोमिनेटर में चला गया है,
ठीक है, अगर ये रूट डिनोमिनेटर में चला गया है तो नीचे से रूट कैसे हटेगा? जब हम डिनोमिनेटर को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो थ्री हटेगा, बट मैथ्स में हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें ये अलाउड तो है नहीं। अब ये थोड़े ना कि 2/7 है, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे पहले मान लो 2/7 था, अब इसको हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2/35 लिख दिया, तो ये दोनों सेम कहां है, तो गलत हो गया ना। ऐसा करें कि 2/7 है, नीचे वाले को चलो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 10/35 होगा। तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, करके देख लो। तो कहने का मतलब जिस भी नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब 2/7 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/7 को हम 1 से मतलब 5/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ये मैथमेटिकली बैलेंस्ड है। ये बात क्लियर? Yes, sir. तो 1/√3 को हम रूट थ्री से डिनोमिनेटर को और उसी रूट थ्री से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये बैलेंस्ड है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा √3/3। ये देखो रास्ता लाइज हो गया, डिनोमिनेटर में पहले रूट थ्री था वो अब 3 बन गया, रास्ता लाइज हो गया। तो डिनोमिनेटर को हमने इरेशनल से फ्री कर दिया, रैशनल बना दिया डिनोमिनेटर, इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप का बेसिक फंडा था। तो इसका मैं सम यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, यही प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया वो तुमको यहाँ पे फॉलो करना है। जब भी क्वेश्चन मिलेगा सिंगल टर्म पे तुम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला। तो अगर एक्स अपॉन रूट ए, एक जनरल बात कर ले, एक्स अपॉन रूट ए है, इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए अपॉन रूट ए से, तो इसकी वैल्यू होगी एक्स इंटू रूट ए अपॉन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? Yes, sir. तो ये सिंगल टर्म का था। मैं एक बात और बता दूं आपको, यहां देखो जैसे 1/√3 है ना, इसको मैंने रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया है ऊपर और नीचे, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये बहुत ही फेमस वर्ड है, आरएफ, आरएफ, आरएफ का मतलब समझ जाना तुरंत, रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो कोई तुमको क्वेश्चन दे दे 3/√5 और पूछे इसका आरएफ कितना है, तो क्या बोलोगे? रूट फाइव। बोलो क्लियर? आरएफ का मतलब तुरंत माइंड में आना चाहिए, अच्छा ये मेरे से रैशनलाइजेशन फैक्टर पूछ रहा है, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें कि ये रैशनलाइजेशन हो जाए इसका। तो रूट फाइव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रूट फाइव, रूट फाइव, कितना आंसर हो गया? 3/5/5। देखो डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, काम खत्म हो गया। सर बट हम तो माइनस से करते हैं ना? नहीं, वो ए प्लस बी, ए माइनस बी में करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी हम माइनस से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर इसका आर एफ हमको -√5 समझ आ रहा है, कर लो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, 3/5/5। ओके सर, ठीक है। तो आर एफ का मतलब दिमाग में रखना, आर एफ का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो तुमको बड़े बड़े क्वेश्चन में टीचर से, आपने स्टूडेंट से या फ्रेंड्स पूछेंगे इसका आर एफ बताना कितना है, तो आर एफ देख लेना फटाक से और तुरंत बता देना। आर एफ से हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है ना इसलिए। सेकेंड टाइप का देखो, तो ये एग्जांपल यहां तक लिखना है फर्स्ट में, ठीक है, सिंगल टर्म में यहां तक एग्जांपल कॉपी कर लेना। नंबर टू, अब डिनोमिनेटर में टू टर्म्स हैं, तो टू टर्म्स में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन दिस आइडेंटिटी बोथ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आर कॉल्ड आर एफ ऑफ ईच अदर। आर एफ समझ पाओगे ना क्या लिखा है, बाद में भूल तो नहीं जाओगे 2 महीने के बाद। ए माइनस बी, ए प्लस बी का आर एफ और ए प्लस बी को ए माइनस बी का आर एफ। एक एग्जाम्पल 3/√7, इसका आर एफ कितना होगा?
बताओ। 3 - √7। करेक्ट। और 3 - √7 इसका आरएफ कितना होगा? 3 + √7। 3 + √7 इसीलिए यहाँ पे लिखा है बोथ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आर आरएफ ऑफ ईच अदर। तो इसका आरएफ ये होगा, इसका आरएफ ये होगा, समझ रहे हो ना? तो इस दोनों को अगर कंबाइन करें 3 + √7, देखो यहाँ पे एरो कैसे लगाते हैं, इसका आरएफ होगा 3 - √7 और इधर से भी स्टार्ट करो एरो इधर लेके आओ, तो ये हमारा आरएफ लिख रहे हैं इस तरीके से। इन दोनों को सम करके मैंने ये लिख दिया है। तो आरएफ जो होते हैं ना वो एक दूसरे के मतलब ईच अदर वाला सिचुएशन होता है, वाइस वर्सा होता है यहाँ पे, कि ए का आरएफ बी है तो बी का आरएफ ए होगा, ऐसा होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, पहले ना ये कॉपी कर लो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ऊपर मेन हेडिंग डेफिनेशन जो क्या क्या फिर से क्या पान्या? तो ये आरएफ वाला पार्ट आप वापस समझा दीजिए। अच्छा देखो देखो आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है, ये पता है आइडेंटिटी? यस सर। तो इस वाले आइडेंटिटी में a माइनस बी को a प्लस बी का आरएफ बोलते हैं और a प्लस बी को a माइनस बी का आरएफ बोलते हैं। इनको यूज कैसे करते हैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी बस मैंने नाम बताया इनका कि a माइनस बी a प्लस बी का आरएफ है और a प्लस बी a माइनस बी का आरएफ है। इन पे एग्जांपल्स हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी जस्ट करेंगे, कल ये कॉपी कर लो। ओके सर, अभी क्वेश्चंस कराएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि यही आरएफ क्यों है, कुछ और आरएफ क्यों नहीं है। ओके सर। गौरांगी बोलो सर, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट बोथ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आर आरएफ। ओके, सो इन दिस सिचुएशन इफ द आइडेंटिटी इज ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इज द आरएफ ऑफ ए प्लस बी एंड ए प्लस बी इज द आरएफ ऑफ ए माइनस बी, मीनिंग in the identity 3 + √7 into 3 - √7, 3 + √7 is the RF for 3 - √7 and 3 - √7 is the RF of 3 + √7. Is it okay? Okay sir, yes sir. Sir, done. अलीशा पान्या? यस सर, डन। यस सर, डन। एक एग्जांपल करते हैं इस पे। फिर ये आरएफ वाला और क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 / √5। सेकंड क्वेश्चन 3 / √5 और थर्ड क्वेश्चन 5 / √5 + √3। ये तीनों क्वेश्चन तीन टाइप्स के हैं। सेकेंड वाले को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ये ले लो √3 + 5। तो ये तीनों क्वेश्चन तीन टाइप्स के हैं। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, तीनों में डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं तीनों ही केसेस में। फर्स्ट केस में सेकेंड वाले टर्म पे रूट है, सेकेंड केस में फर्स्ट वाले टर्म पे रूट है और थर्ड वाले में दोनों पे रूट है। दोनों ये तीनों क्वेश्चन होंगे इसी कॉन्सेप्ट पे,
सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि वो a माइनस बी है कि a प्लस बी है। तो फर्स्ट केस की बात करें, डिनोमिनेटर हमारा a माइनस बी फॉर्म का है, दिख रहा है a माइनस बी फॉर्म का है। यस सर। तो इसका a प्लस बी बनाओ, 2 माइनस रूट फाइव का a प्लस बी क्या होगा, 2 प्लस रूट फाइव। आर एफ पहले सोचो, इसका आर एफ होगा 2 प्लस रूट फाइव। ये याद रखो, a माइनस बी का आर एफ a प्लस बी, a प्लस बी का आर एफ a माइनस बी। तो 2 माइनस रूट फाइव का आर एफ क्या होगा, 2 प्लस रूट फाइव। 2 प्लस रूट फाइव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 प्लस रूट फाइव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 2 प्लस फाइव रूट फाइव कहां से आया, समझ आ गया? यस यस सर। ये a माइनस बी है तो इसका a प्लस बी क्या होगा, a और b सेम रहेंगे बट बीच में प्लस रहेगा। उसको सिंपलीफाई कर लो, b से मल्टीप्लीकेशन, 3 से मल्टीप्लीकेशन, 3 इनटू 6, यस सर, 3 इनटू 2 प्लस रूट फाइव। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपलीफाई करके क्या आ गया, 6 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4, और 4 माइनस 5 माइनस 1। तो ये माइनस हमको डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है, ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो 6 प्लस 3 रूट 5, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखो, a प्लस बी फॉर्म है, आया ना a प्लस बी फॉर्म, दिख रहा है ना? यस सर। इसका आरएफ क्या होगा, a माइनस बी, रूट 3 माइनस 5। करेक्ट, रूट 3 माइनस 5, इसका आरएफ होगा रूट 3 माइनस 5। तो यही मतलब है, a प्लस बी का a माइनस बी और a माइनस बी का a प्लस बी। ऊपर सिंप्लीफाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3 रूट 3 माइनस 15। डिनोमिनेटर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ा फास्ट हो गया बट समझ में आया होगा मुझे लगता है। तो ये हो गया, आपने 3 रूट 5 लिख दिया 3 रूट 3 की जगह। यस करेक्ट, तो मैंने जानबूझ के लिखा है ये देखने के लिए कि सारे मतलब ध्यान यहाँ पे है कि नहीं। वो तो जानबूझ के लिखा था, वरना नीचे भी जानबूझ के लिख गया था, यहाँ भी जानबूझ के। ओके सर। तो ये हो गया 3 रूट 3 माइनस 15, डिनोमिनेटर में कितना होगा, माइनस 22। अब देखो माइनस नीचे अलाउड नहीं है, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, 15 माइनस 3 रूट 3, और नीचे से भी माइनस हटा लो, तो माइनस माइनस कट गया, कितना आंसर हो गया, 15 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 22। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में a प्लस बी फॉर्म है नीचे, इसका a माइनस बी बनाओ, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है यहाँ तक? पान्या समझ आ रहा है? यस सर। करो मल्टीप्लाई, 5 रूट 5 माइनस 5 रूट 3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 5 माइनस 3। तो ये हो गया 5 रूट 5 माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2, ये आंसर हो गया। डिनोमिनेटर देख लो सबका, हमने रैशनलाइज कर लिया है, तो कॉपी क्या क्या कर लियो, पूरा कॉपी कर लिया, यहाँ तक हो गया? यस सर, यहाँ तक तो हो गया था। अच्छा चलो, उसके बाद ना ये एक इसी पे टर्म टू वाले, मतलब टू टर्म वाले, ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को लिख लो एग्जाम्पल के। Okay, हो गया सबका? यस सर। नो सर। कर लो आराम से कर लो। यस सर डन। अब है थ्री टर्म्स वाले, देखो थ्री टर्म्स वाले हमारे लिए हॉट्स का सेक्शन है। ओके, एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे, ये हॉट्स का पार्ट है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, रैंडम क्वेश्चन है, तो रूट 3 अपॉन
रूट टू प्लस रूट वन माइनस रूट थ्री या प्लस रूट थ्री भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, हमें इसको रैशनलाइज करना है। देखो थ्री टर्म्स वाले क्वेश्चन दो टाइप्स के हो सकते हैं, ये फर्स्ट टाइप, और एक और ऐसा हो सकता है रूट थ्री रूट टू रूट फाइव रूट सिक्स कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इस वाले में एक ट्रिक हम फॉलो करेंगे, इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने नाइन्थ में तो अभी तक नहीं देखा है, नाइन्थ के सिलेबस में मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, बट आ सकता है, प्रिपेयर कर लोगे? यस सर, मैंने सब प्रैक्टिस करवाई है। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, दोनों में थ्री टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, बट इस वाले में देखो जो थ्री टर्म्स हैं उनमें से किसी दो का सम थर्ड के इक्वल है, देख रहे हो, टू प्लस वन थ्री के इक्वल है। तो ये वाला ट्रिक से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं लग रहा है। तो जिसमें ट्रिक नहीं लगती है उसमें हमें रैशनलाइजेशन बहुत ज्यादा बार करना पड़ता है, इसमें हम थोड़ा सा कम करके अपना जो प्रोसीजर है वो इजी कर पाते हैं। किसमें, जिसमें दो नंबर्स का सम थर्ड के इक्वल है। तो पहले ये देखो इस वाले को कैसे करते हैं और इस वाले को कैसे करते हैं वो दिखा देंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, लेफ्ट साइड वाले का सॉल्यूशन देखो, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि डिनोमिनेटर में टू और वन का सम थ्री के इक्वल है। तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमको पता ही है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ए और बी हमको आइडेंटिफाई करना है, अगर हमको a माइनस बी मिल गया तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर a प्लस बी मिल गया तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अभी हम क्या करेंगे, रूट टू और रूट वन को a ले लेते हैं और b रूट थ्री को ले लिया। तो अब हमको ये a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, a बोलूं तो रूट टू प्लस रूट वन सोचना और b बोलूं तो रूट थ्री सोचना। तो डिनोमिनेटर मुझे a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, तो इसका आरएफ क्या होगा, a प्लस बी रूट थ्री रूट टू प्लस रूट वन, यस सर, माइनस रूट थ्री, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट टू प्लस रूट थ्री आ जाएगा। इसका ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी, ए और बी को सही से आइडेंटिफाई कर लेना। तो रूट टू प्लस वन ये हमारा ए था और प्लस बी, इस तरीके से हमने इसको ब्रेक करके समझ लिया, याद रखो, दिक्कत नो सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी, ये लाइन यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पे ए और बी लेने के लिए फ्रीडम हमारे पास है, हम कुछ किसी को भी ए ले सकते हैं किसी को भी बी ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा बट कर लोगे, सिंपल है ये, तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो न्यूमरेटर में रूट थ्री, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टू प्लस रूट वन प्लस रूट थ्री ऐसा हो जाएगा। यस सर। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी अगर बन गया है, अगर बन गया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, रूट थ्री का मल्टीप्लाई तो रूट सिक्स प्लस प्लस थ्री। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, इसको पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लेंगे, रूट टू प्लस रूट वन प्लस थ्री माइनस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर भी कितना हो गया थ्री। ये समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। तो रूट सिक्स प्लस रूट थ्री प्लस थ्री ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में हमने जो पेयरिंग की थी ना उसका एक फायदा हमको हो गया, ये टू प्लस वन प्लस थ्री सिंगल टर्म का आ गया, अब ये सिंगल टर्म का ये चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगी, यहाँ पे क्या दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे टू रूट टू को, बिल्कुल, क्योंकि अभी भी रैशनलाइज नहीं हुआ है ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे, रूट टू से। देखो प्रॉब्लम हमें इस टू से नहीं है, कोई अगर मुझे पूछे वन अपॉन फोर रूट टू इसका आरएफ कितना होगा, एक तो बच्चे बोलेंगे फोर रूट टू होगा और वो देखो कितना लंबा होगा, तो ऊपर हो गया फोर रूट टू, नीचे हो गया सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू, फिर ये कैंसिल करेंगे फोर से थर्टी टू तो रूट टू बाई एट आंसर बोलेंगे, और जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, उनको दिखेगा भाई फोर से क्या दिक्कत है हमको, हमको तो दिक्कत रूट टू से है, तो सिर्फ रूट टू से मल्टीप्लाई करो ना, ये हो गया रूट टू अपॉन फोर टू जा एट। बताओ कौन स्मार्ट है, ये बच्चा या ये बच्चा, सेकंड केस, सेकंड केस, तो ये स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो, ठीक है, बी स्मार्ट।
इसको मल्टीप्लाई सिर्फ रूट टू से करना है। हाँ, अगर टू रूट टू से कर लिया फिर कॉमन करके कैंसिल तो करना पड़ेगा ना, ये वाला काम तो करना पड़ेगा तुमको, तो वो बचाने के लिए हम सीधा यहाँ पहुंच सकते हैं, फिर बीच में क्यों जाए। और अभी तो सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, जब ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो कॉमन लेके कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ तो सिंगल सिंगल टर्म है ना, फोर से काट लिया, जब यहाँ बहुत सारे टर्म्स होंगे तो कॉमन लोगे फिर काटोगे, क्या पता कुछ गलत हो जाए, तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। इसको रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलो आंसर लिखते हैं, अगले लाइन में आंसर आने वाला है। तो रूट टू से डिस्ट्रीब्यूट करो ब्रैकेट को, रूट सिक्स इंटू रूट रूट ट्वेल्व, रूट थ्री रूट सिक्स और थ्री रूट टू अपॉन टू रूट टू इंटू टू, ये हो गया फोर। देखो रूट ट्वेल्व को हम चाहें तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकते हो, फोर इंटू थ्री रूट के अंदर, फोर के लिए टू बाहर और रूट थ्री अंदर, ऐसे रूट ट्वेल्व हो गया टू रूट थ्री। ये हमने हीरोन्स फॉर्मूला में सीखा था, बोलो सीखा था कि नहीं सीखा ना सर? ऐसे सिक्स को भी लिख सकते हैं, सिक्स को थ्री इंटू टू लिख सकते हैं, बट सिक्स में कुछ फायदा होगा नहीं, कोई भी नंबर रूट के बाहर नहीं आएगा, तो सिक्स को मत छेड़ो, उसको वैसे ही छोड़ दो, थ्री रूट टू वैसे लिख दो अपॉन में फोर। तो देखो डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये समझ आया? यस सर। देखो सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट में इतना इजी प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई भी दो नंबर का सम थर्ड के इक्वल नहीं है। तो उसमें क्या क्या होगा पहले मैं बता देता हूं, फिर हम करके भी वही चीज वेरीफाई कर लेंगे। इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करने से पहले, पहली चीज हमें ये एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी कि जब हम फर्स्ट टाइम रैशनलाइज करेंगे तो इस वाले के जैसा सिंगल टर्म नहीं मिलेगा हमको। यहाँ पे जब हमने फर्स्ट टाइम रैशनलाइज कर लिया यहाँ तक, तो डिनोमिनेटर हमको सिंगल टर्म मिल गया था, यहाँ पे हमको सिंगल टर्म नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमको दो टर्म्स मिलेंगे, तो ये बस चेंज होने वाला है। तो इसको रूट थ्री ए प्लस बी, किसी को भी ले लो, ए प्लस बी अपनी मर्जी है। तो सिक्स और टू, इसको ए ले लो, जो बड़े और छोटे वाले हैं उनको ले लो, और प्लस रूट फाइव ऐसा ले लो, ए और बी दिखने लगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से, फिर डिनोमिनेटर में भी ए माइनस बी से। चलो रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन और बीच में माइनस है ध्यान रखना, तो रूट थ्री इंटू रूट सिक्स हो गया रूट एटीन, रूट थ्री इंटू रूट टू सर इसमें हम रूट टू प्लस रूट फाइव को ए नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। Okay. इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, यहाँ पे चॉइस है हमारे पास कि दो का सम थर्ड के इक्वल है तो दोनों को ए लेंगे और जिसका सम बन रहा है उसको बी लेंगे, इसमें तो कोई सम बन ही नहीं रहा है, तो किसी को भी ए किसी को भी बी। yes, तो नीचे हो गया रूट सिक्स प्लस रूट टू होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक लाइन यहीं पे लिख लेते हैं। तो रूट एटीन प्लस रूट सिक्स माइनस रूट फिफ्टीन अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कितना होगा टू रूट ट्वेल्व और माइनस फाइव, ठीक? यस सर। डिनोमिनेटर हो गया रूट एटीन प्लस रूट सिक्स माइनस रूट फिफ्टीन अपॉन क्या देखो टू रूट ट्वेल्व, एट माइनस फाइव सिक्स प्लस टू थ्री प्लस टू रूट ट्वेल्व, ये तो हमने पहले ही बोला था कि डिनोमिनेटर सिंगल टर्म, दोबारा करना पड़ेगा इस बार हमको दो टर्म्स का डिनोमिनेटर टू टर्म वाला, तो इसको फिर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे, थ्री माइनस टू रूट ट्वेल्व, थ्री माइनस टू रूट ट्वेल्व, बोलो समझ आ रहा है? यस सर। तो देखो ये थ्री टर्म्स और ये टू टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर मिलेंगे सिक्स टर्म्स, और डिनोमिनेटर में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद आई थिंक तुम्हें करना चाहिए, कर लोगे, ये सिक्स टर्म्स होंगे, कुछ ऐड सबट्रैक्ट होगा लाइक टर्म्स देंगे ना। डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर में थ्री का स्क्वायर नाइन और टू रूट ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होगा फोर इंटू ट्वेल्व फोर्टी एट, आगे जाके नीचे मिल जाएगा कितना माइनस, ये हमने रैशनलाइज कर लिया। ओके सर, जल्दी कॉपी कर लो इनको। सो फर्स्ट पार्ट कर रहा, सेकंड पार्ट कर लो। यस
गुड, सबका हो गया? नो I like cake more than I like. Yeah, more than I like muffins. But consistently, short time. देखो हमारे दो टॉपिक्स अभी बचते हैं. एक तो प्लॉटिंग बचता है, मतलब रूट टू रूट थ्री प्लॉट कैसे होगा, और एक बचता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो इनमें से मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी करवा देता हूँ, 4 से 5 मिनट में हो जाएगा ये. प्लॉटिंग वाला हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. ओके, तो लास्ट टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. प्लॉटिंग में क्या है ना कि एक बार एंटर कर जाएंगे, फिर ज्योमेट्री बॉक्स निकालो और सबका फिर वीडियो ऑन करके देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ से प्लॉट कर रहे हो, कहाँ से आर्क लगा रहे हो. तो प्लॉटिंग हम नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सिर्फ फॉर्मूले में बता देता हूँ, क्वेश्चन तुमको करने हैं. फॉर्मूले में लिख देता हूँ यहाँ पे सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के. एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी, दो नंबर्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है, उनका बेस अगर सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं. नंबर टू, दो नंबर्स अगर डिविजन में हो, या तो ऐसे हो सकते हैं या फिर वो ऐसे भी हो सकते हैं, x का पावर a, x का पावर b, तो इन दोनों का जो आउटकम होता है, इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो होता है पावर सब्ट्रैक्ट कर लो, x टू द पावर a माइनस b. एर्थ में सारा पढ़े हो इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूला ही बता देता हूँ, क्योंकि इनका सारा कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स. अगर कभी पावर पे पावर लिखा हो, x टू द पावर a उसका पावर b, तो इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. किसी भी बेस पे पावर अगर नेगेटिव हो तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लें तो पावर्स हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं. इसका मतलब ये भी है, फोर्थ में ही एक और बात मैं समझा दूं, फोर्थ में ही अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में हो और पावर नेगेटिव हो तो इसको हम x का पावर 3 न्यूमरेटर में ले जाके कर सकते हैं. फिफ्थ लॉ, किसी भी बेस का पावर 0 आंसर हमेशा 1 आता है. किसी भी बेस का पावर 0 1 आता है, चाहे बेस नेगेटिव हो, रूट में हो, पॉइंट में हो. बस यहां पे x 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना. क्यों नहीं होना चाहिए? तो 0 का पावर 0 इज नॉट डिफाइंड. अब ये क्यों डिफाइंड नहीं है तो क्लास 11th में तुमको समझ आएगा. 7 इनडिटर्मिनेट टर्म्स होते हैं, जैसे 0 का पावर 0, 0 का पावर इन्फिनिटी, इस तरीके से 7 होते हैं. तो ये सारे नॉट डिफाइंड है, x यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना. 0 का पावर 0 कोई पूछे तो फटाक से 1 मत बोल देना, है ना. स्मार्ट लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि 5 का पावर 0 कितना होगा, 1, 3 का पावर 0 कितना होगा, 1, 1/2 का पावर 0 कितना होगा, 1, 0 का पावर 0 कितना होगा, 1, फंस जाओगे. 0 का पावर 0 डिफाइंड नहीं है. सिक्स्थ लॉ, इफ x टू द पावर a इक्वल टू x टू द पावर b, यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स आर इक्वल, टू नंबर्स आर इक्वल एंड हैविंग देयर बेसेस इक्वल, देन वी कैन इक्वेट देयर पावर्स. ये दिया हुआ है तो ये हम कर सकते हैं, सिक्स का फर्स्ट पार्ट. सिक्स का सेकेंड पार्ट, इफ x टू द पावर a इक्वल टू y टू द पावर a, टू नंबर्स आर इक्वल हैविंग देयर पावर्स इक्वल, देन वी कैन इक्वेट देयर बेसिस. इन दोनों में डिफरेंस है, समझ लो डिफरेंस क्या है. यहाँ पे दो नंबर्स इक्वल है, कौन कौन से नंबर, x का पावर a, x का पावर b, दोनों नंबर्स इक्वल है, उनके बेस इक्वल है, तो हम पावर्स इक्वेट कर रहे हैं. और यहाँ पे वही दो नंबर्स इक्वल है, उनका पावर सेम है, तो हम बेस इक्वेट कर रहे हैं. ये दोनों पॉसिबल है, दोनों हम कर सकते हैं. सेवेंथ, अगर x का पावर a है और y का पावर a है, दो नंबर्स है प्रोडक्ट में, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इन दोनों बेसेस को मल्टीप्लाई करके वही पावर हम इन पे लगा लेते हैं. एट्थ का फर्स्ट पार्ट, अगर कोई नेगेटिव नंबर है, कोई भी, उसका पावर अगर इवन है तो इसका रिजल्ट आता है, बस माइनस हटा लेते हैं, वही सेम नंबर उस पे पावर इवन लगा लेते हैं. मतलब
माइनस एक्स अगर लिखा है, माइनस एक्स अगर लिखा है उसका पावर मान लो 50 है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स का पावर 50, क्योंकि 50 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। माइनस 18 इसका पावर है 100, तो आंसर कितना होगा, 18 का पावर 100। नेगेटिव बेस है, पावर इवन है तो माइनस हट जाता है। सेकेंड वाला अगर वही नेगेटिव बेस है, कोई नेगेटिव नंबर है, उसका पावर अगर ऑड हो जाए तो ये माइनस आगे आ जाता है और वो नंबर है उस पे वही ऑड पावर लगा लेते हैं। जैसे माइनस 13 है, इसका पावर 37 है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, माइनस और 13 to the power 37, मतलब इसमें माइनस प्रेजेंट रहेगा, इसमें माइनस हट जाएगा। तो ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इन पे हमको एक्सरसाइज 1.6 करनी है। एक्सरसाइज 1.6 में जितने भी क्वेश्चन है सारे तुम इस पे कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो उसको लिख लो। यस सर। आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, अगली बार एक क्लास लगा लेंगे उसकी प्लॉटिंग वाले की, रूट टू को प्लॉट कैसे करते हैं, रूट थ्री को प्लॉट कैसे करते हैं, रूट 4.8 प्लॉट कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट टाइम कर लो। ये कॉपी कर लो और मुझे बता देना। सर डन। वरांगी समझ आया सब कुछ? यस सर। पान्या? सो सर, इफ व्हेन द पॉलीनोमियल्स टॉपिक इज आल्सो फिनिश्ड, सो कैन वी डिस्कस द क्वेश्चंस दैट दैट इज डन रॉन्ग बाय मी? यस, वी कैन हैव अ डाउट क्लास फॉर दैट। सर, व्हेन द पॉलीनोमियल्स विल बी फिनिश्ड देन वी कैन हैव इट। Yes, I expect the polynomials will get over in the next week, on the coming week. Okay, sir. But see, polynomial is a longer chapter. When we compare it with number system. Yes, number system, we have completed number system in 2 hours. But for polynomials, we need at least 3.5 hours at least. Okay, so in the next week, we can have 2 classes at least to cover the polynomial. Okay, sir. But we need at least 4 hours to complete polynomials. There are a lot of things to discuss. Okay, we'll see. Okay, yes, sir. Done, everybody? Yes, sir. Yes. Okay. Chalo, thank you so much. Thank you, sir. Bye-bye, sir.